नारी, तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीद की एकमात्र आस हो। नफरत की दुनिया में मात्र तुम ही प्यार हो। उठो, अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक दिन ही नहीं, हर दिन नारी दिवस मनाओ। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन हमने कुछ महिलाओं को ताजा टीवी के ऑफिस में बुलाया और ऋतु भालोटिया के साथ एक इंटरैक्टिव टॉक शो किया। आइए देखते हैं कि किस तरह से ऋतु भालोटिया ने महिलाओं में जुनून भर दिया, क्योंकि ये जुनून ही ऐसा चीज है जो आपको आगे तक लेके जाता है। बाकी हम हर कुछ सीख सकते हैं जीवन में। हर बच्चा बिल्कुल सादा पैदा होता है, बिल्कुल जब हम छोटे होते हैं बच्चे के रूप में पैदा होते हैं, हमारे अंदर कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हम हर कुछ सीख सकते हैं, लेकिन हम जुनून लेके पैदा होते हैं। जब किसी चीज का जुनून हमारे अंदर होता है, वो जुनून ही हमें आगे लेके जाता है। तो अपने जुनून को कभी मरने मत दीजिएगा, और जो मुश्किलें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो तो हम यहाँ सॉल्व कर ही लेंगे। हम आपको एक मिनट देंगे, एक मिनट के लिए आपको ये सोचना है कि आपके अंदर आपका खुद का सबसे अच्छी चीज क्या है, ठीक है? और हम एक एक करके अपनी सबसे अच्छी चीज एक साथ शेयर करेंगे। हर एक चीज सबको मालूम होगी अपनी अच्छी चीज। और अक्सर वही मैंने बोला ना, बुराई बताने वाले हजारों लोग हैं, वो तो दिन रात हम सुनते ही सुनते हैं। तो आज हम अपनी अच्छाइयों को ढूंढ के अपने अंदर से निकालेंगे और प्राउडली बोलेंगे कि मेरी सबसे अच्छी बात आज ये है, एक हंसी के साथ आई। मैं मेरे को सबसे अच्छा सामने वाले पर्सन में अच्छाई नजर आती है। इन्हें कितनी बड़ी बात बोली कि मेरी सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे सामने वाले में सिर्फ अच्छाई नजर आती है। मैम, हैट्स ऑफ, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, एक्सीलेंट। मैं उमा दनानी, मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं सब से मिल के चलूं, और जब भी कोई काम पड़े तो मेरे को लगता है कि सब मेरे साथ हो। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं रेखा माहेश्वरी, मैं सबके साथ रिलेशंस बना के रखने में विश्वास रखती हूँ, और मुझे मेरे अंदर वो चीज है ऐसा लगता है। मैं कांता दम्मानी, मेरे अंदर क्या अच्छाई है मेरे को खुद को समझ में नहीं आती है कुछ भी, लेकिन मैं कहीं कोई भी परिस्थिति में चुप रहना ज्यादा अच्छा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैं अंजू खेरू का, मेरे अंदर ये अच्छा है कि मेरे अंदर संयम बहुत है। मैं कभी भी किसी को किसी का भी कुछ भी मतलब अच्छा देख के अपने आप को ये नहीं सोचती कि मेरे पास वो चीज नहीं है, या फिर ये देख के मैं नहीं सोचती कि नहीं ये बहुत बड़ा आदमी तो मैं इसके सामने खड़ी ना हूँ। मेरे अंदर ऐसा कोई भावना नहीं, मैं एक इंसान हूँ, दूसरे को भी इंसान ही हूँ। मैं किसी का दुख देख नहीं सकती, मेरे को लगता है कि जो दुख में हो उसका मैं हेल्प करूँ, किसी का भी दुख सहन नहीं कर सकती। मैं गायत्री राठी, मुझे सबसे अच्छा मंदिर में जाना और मंदिर में बैठना अच्छा लगा। सबको रेस्पेक्ट और प्यार देना और सबसे पाना पसंद करती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में आसमान और धरती सब देखी है, पर जो मजा धरती पे है वो आसमान में नहीं है। और सबको जो एक मुट्ठी में लेके चले वही मेरे को सबसे बेस्ट लगता है, और इसीलिए मैं धरती पसंद करती हूँ। इसका एक बहुत सिंपल सा जवाब है, बहुत ही सिंपल सा जवाब है, और अगर इस छोटे से चीज को हम समझ जाए तो हम जीवन में हमें खुशियां ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका जवाब यह है कि खुशियां जो है हमेशा अंदर से आती है। हम अगर अपनी खुशियों के लिए किसी के अधीन हो जाएंगे तब हमें तकलीफ होती है, तब हम खुश नहीं रहते। खुशियां एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमें किसी के अधीन नहीं होना। बारिश की एक बूंद आपको खुश कर सकती है, चिड़िया के पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आपको खुश कर सकती है, बच्चे की हंसी आपको खुश कर सकती है, अपने पति की, अपने हस्बैंड की मुस्कुराहट आपको खुश कर सकती है, क्योंकि आप अंदर से खुश हो। तो जब हम अपनी खुशियों के लिए किसी और के ऊपर अधीन हो जाते हैं ना, तब हमें जरूरत पड़ती है कि खुशी आती क्यों नहीं है। मेरी सिंप्लिसिटी ही मेरी अच्छाई है, जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने मेकअप किया है नहीं किया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने क्या पहना है क्या नहीं, मुझे लिए बहुत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं हंसूं, मैं खुश रहूं, यही मुझे सबसे अच्छा लगता है, यही मेरी अच्छाई है। अच्छा एक सवाल बताइए मुझे, एक सवाल का जवाब दीजिए पहले आप सब, कितनों ने माइक पहली बार पकड़ा था? ऐसा लगा ही नहीं कि आप सभी ने माइक पहली बार पकड़ा है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपने माइक पकड़ा और माइक में बोला, इट वॉज फ्लॉलेस, मतलब
बिल्कुल बिल्कुल, जो कि टीवी में आएगा। लोग बोलेंगे लगता है प्रैक्टिस के लिए रोज जा रही थी, इनको मालूम था कि टीवी में आने वाला है। आप बिल्कुल फ्लॉलेस थे, मतलब यू वर एक्सीलेंट, बहुत ही खूबसूरती के साथ आप सबने ये बात बोली। मैं आपको बताऊं, सबकी बातों को अगर हम जोड़ लें, सबकी अच्छाइयों को जोड़ लें, तो हम एक संसार बना सकते हैं। क्योंकि जितनी अच्छाइयां सब में है, इसमें से कोई भी ऐसी अच्छाई नहीं बची जिससे कि एक संसार परिपूर्ण नहीं हो सकता। सो बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, प्राउड फील कीजिए जो आप है उसके लिए, जो नहीं है उसके लिए नहीं। क्योंकि परफेक्ट जैसा कोई शब्द नहीं होता। कभी परिपूर्ण बनने की कोशिश मत कीजिए, हमें कभी नहीं करना चाहिए परिपूर्ण बनने की कोशिश। हमें अच्छा, बेस्ट, ग्रेट बनने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन परिपूर्ण बनने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। और बिना इस परिपूर्णता के हम अपने आप में संपूर्ण है, वो मायने रखता है। और उसी एक शब्द में सब समा जाता है, वो एक शब्द है स्त्री। और आज के दिन की सबसे अच्छी बात यह है कि आज के दिन ना हम बेटी है, ना बहू है, ना पत्नी है, आज के दिन सिर्फ एक महिला के रूप में सराहे जाते हैं। आज आपके एक्सपीरियंस में से कुछ उठा के हम डिस्कस करते हैं। ये हैप्पीनेस हम लोग के जो सिर्फ आज के दिन क्यों, हर दिन क्यों नहीं रहती है। वुमेन्स अगर हैप्पी रहे हर दिन, तो ये सारे घर में खुशियां ही सब समय में रहे, चेहरा मुस्कुराते ही उठे, क्यों टेंशन में उठे। तो इसका क्या रीजन है कि हम लोग हर दिन हैप्पी वुमेन्स डे नहीं बना सकते। अगर हम लोग अपने से नीचे को देखेंगे तो हम सोचेंगे कि हम लोग बहुत खुश है, अपने आप को में मतलब खुशी लेना चाहते हैं कि हर समय अपने को खुश रखो, बुरा मत सोचो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, हर समय खुश रहेंगे, हर समय अपने चेहरे पे मुस्कान रखो। तो छोटे बड़े सबसे मतलब मिल के रहो, चाहे बहू हो चाहे बेटी हो, सबका को साथ लेके, सबका दुख दर्द समझ के और हंसते हुए दिन बिताओ, तो अच्छे से दिन बीतेगा, कभी तकलीफ महसूस नहीं होगी। हर समय अपने आप को अच्छा महसूस करो कि हम बहुत अच्छे हैं और हमारे साथ जितने भी हैं सब अच्छे हैं। दो मिनट के लिए आपको आंखें बंद करनी है और अपनी अपनी जगह पे खड़ा हो जाइए, थोड़े लोग बीच पे आ जाइए, इसी स्पेस पे आप खड़े हो जाइए। जब वो म्यूजिक चलेगा तो आपको सिर्फ ये देखना है कि अपने आप को सामने अपने इमेजिन करना है, आप अपने आप के सामने हैं और वो जो सामने वाला आप है वो बहुत खुश है, बहुत खुश, जितनी अल्टीमेट खुशी आप सोच सकते हैं वो सोचना है। वो नाच रहा है, झूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है, और बारिश हो रही है, और बारिश में आप खेल रहे छोटे बच्चे की तरह। बच्चे का दिल है, नाच रहा है, गा रहा है, झूम रहा है, सब कुछ कर रहा है, मुस्कुराइएगा, खेलेगा, अपनी जगह पे अपने हाथ पैर को इस तरह से हिलाइएगा और जो मुस्कुराहट उसमें दिख रही है वो मुस्कुराहट लाने की कोशिश कीजिएगा। इस महिला दिवस पर अगर हम सब एक छोटी सी पहल करें, हर एक महिला को उसकी अंदरूनी शक्ति से पहचान कराने की, तो हम एक बहुत शक्तिशाली समाज का निर्माण कर पाएंगे।